This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to PSX Hotline. I'm your host Tarique and Javed. Nazreen, aaj ki market jo hai isme kafi utar chadhav raha. फर्स्ट हाफ में भी नेगेटिविटी थी लेकिन लिमिटेड थी, लेकिन सेकंड हाफ में नेगेटिविटी बढ़ गई और फाइनली हमने 180 माइनस पे क्लोज देखा है इसको. 100 इंडेक्स हैज़ कम डाउन टू 49,300 लेवल और 30 में भी 115 का लॉस और इस तरह से 26,004 का लेवल आ गया. ऑल शेयर्स में 84 का लॉस, 34,010. वॉल्यूम्स भी कम हो गए आज रिलेटिवली, कल ज़्यादा थे, 71 था मिलियन जो है 30 में हुआ काम और 112 मिलियन हुआ है 100 इंडेक्स में और ऑल शेयर्स में 289 विच इज़ लोअर देन प्रीवियस डेज. टोटल कंपनीज में काम हुआ वो 375 थे, उसमें 142 प्लस, 218 डिक्लाइन, अनचेंज्ड 15. वॉल्यूम लीडर आज आयशा स्टील मिल है जनाब 29 मिलियन के साथ. उसके बाद एंग्रो पॉलीमर अराउंड 22 मिलियन, टीआरजी 16 मिलियन कह सकते हैं इसको राउंड ऑफ करके, के इलेक्ट्रिक में 15, दीवान सीमेंट 12.85. टॉप गेनर्स यूनिफूड यूनिलीवर फूड 290, नेस्ले पाकिस्तान 185, सनोफी एवेंटिस 117, सफायर टेक्स 76, सफायर फाइबर 65 और लूजर्स में जनाब रफान मेज 164 माइनस, फिरोज सन्स लैब में 28 लॉस है, आइलैंड टेक्सटाइल में 24, थल इंडस्ट्रियल कॉर्प में 19, हीनो पार्क मोटर्स में 18 का लॉस हुआ. इंटरनेशनल मार्केट्स भी अगर आप गौर करें तो पॉजिटिव ही है ज़्यादातर यूरोप अमेरिका की, लेकिन हमने सेंसेक्स में गिरावट देखी है टू द एक्सटेंड ऑफ 111 पॉइंट और नीचे भी माइनस है, बाकी सारे मार्केट्स प्लस हैं. हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं, आपने इनको पहले भी हमारे साथ बहुत सुना, मनकानी साहब, ए वेल नोन नेम इन कैपिटल मार्केट और इनकी जो प्रेडिक्शंस हैं हमने पहले काफ़ी सही पाई है. आज बहुत दिनों बाद मिले हैं मनकानी साहब, वेलकम शो सर. थैंक यू सर. ये पिछले एक हफ्ते के जो हालात हुए बड़े ड्रामाई और बड़े, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकल, क्योंकि हमने 19 के बाद जो रैली देखी कुछ बड़ी अनयूजुअल थी, बड़ी फास्ट थी और पिछले दो तीन दिन से हमने देखा है कि फिर मार्केट नीचे लगी, तो इतनी बड़ी रैली क्यों आई और अब ये करेक्शन क्यों आ रहा है? देखिए रैली आपने देखा कि जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी और पनामा जजमेंट के बाद हमने मार्केट में एक रैली देखी जहां पर हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी बड़ा इनफ्लो आया था और वहां से वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट. क्या जरूरत पड़ी थी कि इतना 100? देखिए आपको जरूरत नहीं, ऐसे आप हम वो इस तरीके से कह नहीं सकते, एक्चुअली जरूरत पड़ी थी, वहाँ इन्फ्लोज आते हैं, उनकी मजबूरी होता है कि उन्हें इन्वेस्ट करना होता है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं था? देखिए जो बात हम नहीं जानते वो हम नहीं कह सकते, ठीक है ना जी. जो चीज़ नज़र आई है मैं तो सिर्फ उस पर बात कर सकता हूँ कि जो एक म्यूचुअल फंड है उनका एक बहुत बड़ा इनफ्लो मार्केट में नज़र आया था और मार्केट में हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी और वो कोइंसाइड कर रही थी एक पनामा डिसीशन के साथ, ठीक है ना. वो होने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो जो इतनी जितने लॉसेस थे ऑलमोस्ट रिकवर हो गए बाय मंडे, लेकिन साथ ही साथ जो फैक्टर्स बाद में डेवलप होने वाली पॉलिटिकल सिचुएशन नंबर वन, नंबर टू जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी बिलो एक्सपेक्टेशन रहे बहुत सारे जो कहना चाहिए, नंबर तीन ये फ्यूचर रोल ओवर का वीक है जिसमें वैसे ही मार्केट के अंदर एक वीकनेस होती है, तो ये तीन फैक्टर्स ने मिलाकर मार्केट के अंदर से जो वैल्यूज़ हैं वो इरोड किए और मार्केट में हमने एक नेगेटिविटी देखी. ये जो आज लास्ट फ्राइडे है तो इसलिए फ्यूचर्स आज अभी दोपहर को कटे होंगे, ये मंडे टू फ्राइडे ऑलमोस्ट फ्यूचर्स का प्रेशर रहता है, वो रहता है, शुरू हो जाती है चीज़ सेकंड हाफ में, तो यानी अब आज आखिरी दिन था और आज ऑलमोस्ट ये चीज़ खत्म होने के बाद अब जो भी चीज़ है वो मंडे से नए, मंडे तो खैर छुट्टी है तो ट्यूसडे से जो है नए तरीके से शुरू हो जाए, नए फ्यूचर शुरू. आपको क्या लगता है ये जो अभी लेवल आ गया 49,300 का, इज इट सस्टेनेबल और इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अ बबल इन इट? मैं बबल तो मार्केट में हमारी इस किस्म का वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहिए बबल वाला, और क्योंकि मार्केट कोई, आप ही कह रहे हैं ना कि म्यूचुअल फंड ने बड़े ज़ोरदार से उठा दिया उसको. देखिए 3-4 हज़ार पॉइंट में बबल नहीं आ जाती मार्केट के अंदर, हम सिर्फ 10% बढ़े हैं तो उस लिहाज से, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, मतलब बबल का वर्ड जो है ना बड़ा नेगेटिव कनोटेशन क्रिएट करता है, मार्केट बबल का मतलब ये कि एक बहुत
लोग आमतौर पर 50,000 का इंडेक्स है और वो कभी भी फट जाएगा और वो बबल का वर्ड 3-4,000 के जो इसको और आपने उसको एट्रीब्यूट किया म्यूचुअल फंड से जी 3-4,000 पॉइंट थोड़ा मार्केट जो है मजीद दोबारा वापस नीचे आ भी सकती है। जो फंडामेंटल सिचुएशन है उसमें इतनी ज़्यादा बेहतरी फिलहाल नज़र नहीं आ रही। जो चीज़ पॉजिटिव हो सकती है मार्केट के लिए वो ये है कि प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ या उसके बाद जो है वो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर इंक्लूजन है, वो चीज़ मार्केट को पॉजिटिव कर सकती है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम फिलहाल जो है सारे आउटफ्लोज ही देख रहे हैं फॉरेनर्स के फॉर द लास्ट 6-7 महीने से। कल भी बेचा उन्होंने 3.4 मिलियन इंडिविजुअल्स ने बाय किया 6 मिलियन, तो कोई 6-7 महीने से। अच्छा, कल म्यूचुअल फंड ने भी बेचा है जी, तो बहुत छोटी सी अमाउंट बाहर, लेकिन अभी बहरहाल लोकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी काफ़ी न्यूट्रल सिचुएशन है, तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में लोगों को एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और स्पेशली जहां वैल्यूज अच्छी नहीं होंगी वो शेयर ज़रूर नीचे आएंगे। रिजल्ट हमने अक्सर ख़राब देखा है सवाए बेखल में एक आग के जी, हाँ कुछ जगहों पे थोड़ी सेचुरेशन आती हुई नज़र आ रही है, और वक्त की कमी, और FCC का भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। देखिए बैंकिंग सेक्टर के भी रिजल्ट अच्छे नहीं है, सीमेंट के रिजल्ट भी जो हैं वो एट पार रहे हैं, लास्ट क्वार्टर के बराबर ही रहे हैं ऑलमोस्ट, तो वो थोड़ा सा ग्रोथ का फैक्टर जब मार्केट में कम हो जाता है तो लोग स्टॉक्स को जो है छोड़ना शुरू कर देते हैं, और मज़ीद उसके अंदर बढ़ने की जगह कम हो जाती है, क्योंकि बेसिकली स्टॉक्स जब बढ़े होते हैं उन्हें ग्रोथ आती है, एक अर्निंग पिछले अर्निंग से बेहतर आएगी तो वो हमेशा ड्राइव करेगी स्टॉक को, बट अगर वो नहीं आएगी तो फिर स्टॉक नीचे आते हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया MCSI का, तो इसका क्या डेट क्या है, कब से ये? देखिए मुझे एग्जैक्टली सही अंदाज़ा नहीं, मेरे ख्याल से एंड में या फर्स्ट वीक 20 कोई कहता है, कोई एंड ऑफ द मे कहता है, तकरीबन एंड ऑफ मे के करीब मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है। एंड ऑफ मे जी, यानी कि 1 जून से ये जो फंड्स हैं दे विल बी ऑब्लाइज टू पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनटू पाकिस्तान। मेरा ख्याल है ऑब्लाइज फ़ौरन तो नहीं होता, बट यस उनकी एक रडार स्क्रीन पर चीज़ आ जाती है और उसके बाद आप देख कर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस पर भी डिपेंड करता है जो लोग अभी फ्रंटियर मार्केट के बुनियाद पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो अभी विड्रॉ कर रहे होंगे? कुछ लोग विड्रॉ कर रहे होंगे जो डेडिकेटेड फ्रंटियर मार्केट के लिए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट से निकल जाएगा, लेकिन अगर वो फंड्स डेडिकेटेड फ्रंटियर मार्केट नहीं है जो जिनके पास गुंजाइश है कि वो फ्रंटियर मार्केट्स में भी रह सकते हैं और किसी और मार्केट में भी रह सकते हैं तो वो एग्जिट नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली जिनका स्कोप ही फ्रंटियर मार्केट है तो उनको तो फिर एग्जिट करना होगा, और फिर ये इमर्जिंग मार्केट वाले आ जाएंगे प्रॉब्ली इमर्जिंग मार्केट रिलेटेड। अच्छा, तो ये जो आएगा इस हमारे पास 550 के करीब शेयर्स हैं, ये इमर्जिंग मार्केट में कितने शेयर्स उनके रडार पे आएंगे? मेरा ख्याल से एक्चुअली हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी मार्केट्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते, उसकी वो उनके जो क्राइटेरिया होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मार्केट कैप, फ्री फ्लोट और ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत छोटी मार्केट है और फ्री फ्लोट भी हमारे यहाँ कुछ स्टॉक्स को छोड़ के बहुत कम है, तो फिर वो स्टॉक सेक्लूड हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, तो वो नेचुरली फिर उसे तो हर स्टॉक नहीं आ सकता, अंदाज़ा बड़ी मुश्किल से 20-25 स्टॉक जो हैं उनके क्राइटेरिया पर उतरते हैं जी। तो क्या वो मिनिमम कैपिटल देखते हैं या टर्नओवर? देखिए मेजर क्राइटेरिया तो होता है मार्केट कैप। अच्छा, कि एक मार्केट कैप का सडन जो है मार्केट कैप से ऊपर चीज़ होती है तो वो उनके स्क्रीन पे होती है, रडार पे होगी और उनके उसमें इंक्लूजन होती है। अच्छा, ये जो कैपिटल या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे जी कि कंपनी के कैपिटल कितना बड़ा है या नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो मैं आपसे कह रहा हूं मार्केट कैप में वो सब चीजें आ जाती हैं, मार्केट कैप में वो सब कुछ आ जाएगा जी, मार्केट कैप के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो प्राइस होती है ना, तो आप उसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ शेयर्स बेस करते हैं पेड अप कैपिटल के ऊपर, कंपनी की जितनी बड़ी कैपिटल होगी और प्लस उसकी प्राइस भी अगर ज्यादा होती है तो वो भी मार्केट कैप को थोड़ा इन्फ्लेट कर देती है। अगर ये टर्नओवर भी जो फ्री फ्लोट जिसको कहते हैं जी, वो भी एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो शेयर कितनी दफा ट्रेड होता है या नहीं होता ये भी एक इंपॉर्टेंट, टर्नओवर भी एक क्राइटेरिया होता है, बट फ्री फ्लोट वो शेयर है जिसपे कोई काम ही नहीं होता तो वहाँ तो वो फंस सकते हैं ना? हाँ, नहीं फंसने के अलावा फिर वो वैसे ही उसको वो कर देते हैं कि अब मतलब अब फंसना, जब वो शेयर मिलेगा ही नहीं तो शेयर में आने का फायदा क्या? तो ये 20-25 शेयर में क्या हम तेजी देख सकते हैं आने वाले वक्तों में? प्रॉब्ली देखें उस वक्त जब वो शुरू हो और उस वक्त हम इनफ्लोस देखेंगे तो डेफिनेटली उन्हीं शेयर्स के अंदर हम
तो इंडिविजुअल शुड लुक फॉर दोस शेयर्स एंड जी हां बिल्कुल उस तरफ देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ भी सिर्फ ये नहीं है कि जी उस शेयर के अंदर सामने इन्वेस्टमेंट करने वाला भी ये देख रहा है कि उन शेयर्स के अंदर भी फंडामेंटल वैल्यू कितनी है। तो आपको भी ये देखना है कि उस शेयर के अंदर आप ले रहे हैं ये शेयर, ये इसकी रियलिस्टिक प्राइस है, होनी चाहिए, कहीं ओवर इन्फ्लेट तो नहीं हो गई। तो ये चीज़ तो इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि वो शेयर्स हैं उसको देखें और उनमें से जो है कितनी ज़्यादा उसके अंदर मज़ीद ऊपर जाने की गुंजाइश हो सकती है। बट फॉर द टाइम बीइंग यस, अभी हमारी मार्केट थोड़ा सा ऊपर लगती है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लगती है, थोड़ा सा डाउनसाइड भी हो सकती है। डाउनसाइड सेक्टर वाइज आपकी क्या प्रेफरेंस इस वक्त, कौन से सेक्टर्स आजकल अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हमारा इंडेक्स काफ़ी, देखिए सेक्टर्स तो गुंजाइश कहाँ है नहीं, देखिए अब मजीद गुंजाइश की बात अलग है और सेक्टर्स काम कर रहे हैं वही सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ, क्योंकि कुछ 7-8 सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसके लिहाज से जो प्राइस है उसमें काफ़ी चीज़ें बिल्ट इन हो गई हैं। हम आज से साल भर पहले 6 महीने पहले तक जो बात करते थे उसमें प्राइसेस काफ़ी नीचे थी, तो उस वक्त जगह लगती थी कि ये चीज़ें सस्ती हैं, अब उन वो वहाँ पर पहुँच गई हैं, वो वहाँ अर्निंग्स आ गई हैं, मज़ीद उन अर्निंग्स में ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है लेकिन यस कुछ वक्त के लिए वो ठहर सकती है, अर्निंग स्टेबलाइज होने के बाद फिर बढ़ें। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीमेंट की एग्जांपल दूंगा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर जो काम कर रहा था 50% कैपेसिटी से काम करते करते आज तकरीबन ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे सारे प्लांट आ गए, ठीक है ना जी, तो ऊपर नहीं जा सकता। तो अब मज़ीद दो चीज़ें उनको बढ़ा सकती हैं, एक या तो एक्सपेंशन या प्राइस राइज, प्राइस राइज की पॉसिबिलिटी कम नज़र आती है, बट जिनकी एक्सपेंशन हैं और जिनकी एक्सपेंशन ऑनलाइन आ रही हैं तो उनमें ग्रोथ ज़रूर नज़र आएगी और वही चीज़ जो है फिर लेकिन उसको ट्रांसलेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक वो ट्रांसलेट होगी तो उस वक्त तक उनकी अर्निंग्स स्टेबलाइज रहेंगी और मज़ीद हम उन अर्निंग्स में ग्रोथ अगले 6 महीने साल शायद ना देखें, वो 1 साल के बाद सारी चीज़ें ट्रांसलेट होंगी ग्रोथ में, तो उनके अंदर इस तरीके से चेंज आएगी। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम देख रहे थे फॉर एग्जांपल, बैंकिंग सेक्टर के अंदर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए नज़र आ रही थी कि हम एक डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में थे जहाँ पर इंटरेस्ट रेट नीचे होने की वजह से उनके जो बॉन्ड पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी और उसकी वजह से उनकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आ रही होती थी, लेकिन अब वो सब चीज़ होने के बाद लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट वो अर्निंग्स स्टेबलाइज तो कर गई हैं, मज़ीद ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। हमने ऑलमोस्ट कुछ छोटे बैंक्स के अंदर जहाँ जगह थी वहाँ पे हमने देखा कि अच्छी अर्निंग्स आई हैं, लेकिन बड़े बैंक्स के अंदर टेपर ऑफ हो रही हैं अर्निंग्स, तो नेचुरली उनकी आगे उस लिहाज से जो मार्केट के अंदर वैल्यूएशन है वो भी उस वक्त तक नहीं आती जब तक कि वो शेयर्स के अंदर मज़ीद कोई और इम्प्रूवमेंट या बेहतरी नहीं आती। हाँ अच्छी चीज़ हम देख सकते हैं कि सीपैक रिलेटेड जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे वो सब चीज़ें होंगी तो फिर इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम मज़ीद बेहतरी देखेंगे। अच्छा ये ऑटो सेक्टर में हम देखते हैं काफ़ी तेज़ी और वहाँ हम देखते हैं कि मामला रुक नहीं रहा है जी। हाँ जो एक्सेसरी बनाने वाले जो हैं, जो रिक्शा बनाने वाले हैं, उन सब के अंदर भी हम बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं और अब ग्रोथ रुकती भी नज़र नहीं आ रही, जैसे कि सीमेंट में हम रुक गए एक जगह तो पे आके। वो अब हाउ डू यू सी दैट विद द न्यू ऑटो पॉलिसी कमिंग इन? देखिए ऑटो की रिक्वायरमेंट थी हमारे यहाँ, कुछ जो बेहतरी हुई है इकोनॉमिक हालात के अंदर तो उसकी वजह से लोगों की, और क्योंकि पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर जो है इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से जो है डेवलपमेंट नहीं की, तो लोग मजबूर हैं कि फिर जो है अपनी ट्रांसपोर्ट की तरफ हर आदमी जा रहा है, अब वो चाहे रिक्शा हो चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो, तो सब लोगों को अपनी अपनी जो है अपनी ट्रांसपोर्ट खुद अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ रही है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से हम जो है इस सेक्टर के अंदर बड़ी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा ये भी हुआ है बेहतरी रोड साइड के ऊपर जो है हमारे यहाँ जो मोटरवेज़ का जो जाल है वो फैल रहा है, तो उसकी वजह से भी लोगों के लिए जो कम्यूटेशन है वो इजी हो गया है, तो अब लोग जो है गाड़ियों और उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन बड़ा मुश्किल अभी तक तो वो चल रही है और चलेगी। ये कहना कि कितना हाल है क्योंकि ट्रक कहते हैं कि उसकी डिमांड बड़ी बहुत बड़ी ट्रकों की डिमांड ये डेफिनेटली, लेकिन जाहिर सी बात है नॉर्मल गाड़ी की डिमांड तो अभी उस साइड पे नहीं बढ़ी है, लेकिन बट गुंजाइश है कि वहाँ पर भी नॉर्मल गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ सकती है सीपैक के लिहाज से। अभी तो फिलहाल इंटरसिटी और ये विद इन द सिटी जो है बड़े शहरों के अंदर गाड़ियों की डिमांड बहुत बढ़ रही है और ये अभी तो फिलहाल कंटिन्यू होते नज़र आ रही है। गाड़ियों के शेयर्स अगर 2012 से कंपेयर करें तो कहीं 1000 कहीं 700% बढ़ गई। देखिए हाँ उसमें ऐसा है ना, देखिए उसके अंदर काफ़ी अच्छा एक तो उनके यहाँ ग्रोथ तो आई है अपनी जगह,
बट अब उनकी वैल्यूएशंस भी जो है ना काफ़ी, पहले अगर वो 7-8 के मल्टीपल पे गाड़ियों के शेयर ट्रेड कर रहे थे तो अब 20 और 18-20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो काफ़ी ऊपर, उस लिहाज से आप वैसे ही डबल हो गए। हाँ डबल हो गए जी, तो वो चीज़ है। गुंजाइश ग्रोथ की वहाँ भी अब लिमिटेड ही लगती है उस लिहाज से देखा जाए तो, या मजीद है गुंजाइश? अब थोड़ा सा मुश्किल है कहना इसके अंदर, अभी मैंने उसको स्टडी नहीं किया नंबर्स को, लेकिन फिलहाल नंबर्स जो दिखा रहे हैं वो ग्रोथ ही दिखा रहे हैं जितना है अब तक, तो अभी ग्रोथ दिखा रहे हैं अभी वो। बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का, बहुत कुछ सीखा। नाज़रीन मनकानी साहब से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही कि इतनी बड़ी जो पिछले सिर्फ ये पनामा को लेके जो इतनी बड़ी इंक्रीज़ हुई उसके बाद ये जो हम 1000 पॉइंट की डिक्रीज देख रहे हैं नॉर्मल है, और ये हो सकता है कि मज़ीद भी हो। और आज के दिन तो खैर ख़ास तौर से क्योंकि ये रोल ओवर वीक था इसलिए इसका गिरना सेकेंड हाफ में ख़ास तौर से बिल्कुल नेचुरल बात थी, और लेकिन ये थोड़ी बहुत मज़ीद गुंजाइश है गिरने की, और सेक्टर्स के बारे में भी जो उन्होंने बताया आपने सुना। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।